नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टैग गुरु पुनेड़ा में। आज मैं आपके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर लाया हूँ। आपको इस वीडियो में आज इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसको मैं सारा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक सीमेंस का इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। ये टाइमर कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसमें टाइमिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे इसके कनेक्शन करने हैं, वो पूरा डीपली इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। ये सबसे पहले सीमेंस का हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, ये इसका मॉडल नंबर है। साथ ही ये 0 to 60 सेकेंड का टाइमर है। इससे हम कोई भी चीज़, कोई भी ऑक्सिलरी सप्लाई या कोई भी कॉन्टैक्टर, कोई भी लाइट, उसको 60 सेकंड के लिए टाइमर लगा के ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास सीमेंस है। और दोस्तों, आपको अक्सर किसी भी वीडियो में प्रोडक्ट को ऑपरेट करके या उसको कनेक्शन करके बताया जाता है। मैं खासकर इस वीडियो में इसका इंटरनल सर्किट भी दिखाऊँगा कि इंटरनल ये टाइमर में क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं, क्या क्या इसके पॉइंट हैं। तो सबसे पहले आइए, मैंने इसको आपको दिखाने के लिए पहले इसका लॉक खोल रखा। इसमें जनरली ये लॉक हैं दो, इनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करके हम इसका इंटरनल सर्किट देख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये A1 और A2, इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई होती है, जो इसमें खासकर लिखा भी है कि इसका इनपुट है 220 वोल्ट एसी या 240 वोल्ट डीसी। ये एसी और डीसी दोनों में काम कर सकता है। तो उसके लिए A1 और A2, इसकी जो कॉइल, जो मेन सप्लाई है, जो A1 A2 के जरिए इस टाइमर को जाएगी, जो यहाँ पर भी आपको ड्राइंग में दिख रहा है A1 और A2। तो ये बैक साइड हम देखें, A1 से येलो वायर एंड A2 से येलो वायर, दोनों जाके इस सर्किट में जुड़ी हुई है, जो इसका इंटरनल सर्किट है। इसमें हमारी वायर वाउंड रेजिस्टेंस लगी है, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है वायर वाउंड रेजिस्टेंस है, उन्हीं दो में हमारी सप्लाई जा रही है। उसके बाद अंदर आप देखोगे तो एक ब्रिज रेक्टिफायर है, जो उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही है। और साथ ही उसका अदर सर्किट है, जो उसको 12 वोल्ट या जो भी इसके लिए ज़रूरी है वो उसमें कन्वर्ट कर रही है। और साथ में हमारा टाइमर सर्किट लगा हुआ अंदर इंटरनल। तो जनरली ये हमारा टाइमर स्विच है, इसका कैस है। ये मैंने फिट कर दिया। अब आइए इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के बारे में बात की। A1 A2 मैंने बता दिया ऑक्सिलरी इसके मेन सप्लाई के पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग में दिखा रखा कि इसका 15 और 16 नंबर ऑलरेडी NC है, और 15 to 18 इसका NO है। ऐसे ही इसका 25 and 26 NC है और 25 and 28 NO है। जैसे ही हम इसको एनर्जाइज करेंगे, ये टाइमर उतने सेकेंड में इन जो NC है उसको NO बना देंगे। तो इसके हिसाब से हम इस प्रोडक्ट की वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें A1 और A2 में इसको मेन सप्लाई देते हैं, जिसके लिए मैंने एक MCB लिए। MCB के ज़रिए मैं इस टाइमर को सप्लाई दूंगा। और साथ ही इसका आउटपुट को चेक करने के लिए मैं एक नॉर्मल बजर विथ इंडिकेटर ये लाया हूँ। इन सब का कनेक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारा ये सिस्टम वर्क करेगा। तो आइए इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट, जो हमने MCB के थ्रू दिया है, और MCB को हम डायरेक्ट सप्लाई 220 वोल्ट AC देंगे। और साथ में हमने आउटपुट के लिए, इसकी टेस्टिंग के लिए, हम बजर को कनेक्ट करेंगे। उसके साथ ही हम बजर हमारा 220 वोल्ट AC का है, उसकी ऑक्सिलरी सप्लाई 220 है, तो हम इसी फेस को हम एक कॉन्टैक्ट में देंगे, और कॉन्टैक्ट
ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के आउटपुट दूसरे सिरे से हम ये बजर कनेक्ट करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा मैं इसका एनो पॉइंट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम इसको एनर्जाइज करेंगे तो जो ये सर्किट एनसी है वो उस टाइम के बाद जो हम इसमें सेट करेंगे 0 to 60 सेकेंड, तो उसके बाद वो एनसी हो जाएगा, जिससे हमारा बजर कम हुटर ये वो करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने इनपुट दे दिया एमसीबी को, एमसीबी का आउटपुट से हमने टाइमर को जोड़ दिया। टाइमर का आपको दिख रहा होगा A1 पॉइंट, एक सिरा एमसीबी का A1 में दे दिया, फेस A1 में दे दिया, न्यूट्रल A2 को दे दिया, फेस को ही हमने इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के लिए लूप में ले लिया फेस, और साथ में जो हमारा बजर है तो इसका जो हमारा एनो पॉइंट है जो 18 से निकल रहा है, आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। हमने 15 में AC की सप्लाई दे दी और 18 से और साथ में न्यूट्रल से हमने बजर कनेक्ट कर दिया, जो आपको इसमें दिख रहा होगा ये हमने कनेक्ट कर दिया ये बजर। अब इस टाइप से हमने सारे कनेक्शन कर दिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा, हमने इसके इनपुट में AC सप्लाई दे दी, जो टेस्टर भी ग्लो करके दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये जो ग्लो कर रहा है ये। तो अब हम जनरली अभी 10 सेकेंड की टाइमिंग आपको लगा के दिखाएंगे, हम 10 सेकेंड में टाइमर को 10 सेकेंड में रखेंगे और तब MCB ऑन कर देंगे, तो आपको दिखेगा कि 10 सेकेंड बाद हमारा ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो जो एनो पॉइंट है वो NC हो जाएगा और हमारा बजर ग्लो करेगा, जिस हिसाब से हमने सर्किट कर रखा। तो वो चीज़ आप देखोगे हमने कैसे कैसे इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अब मैं इसे 10 सेकेंड में रखता हूँ, जैसे आपको दिख रहा है मैंने 10 सेकेंड में रखा और मैंने MCB ऑन कर दी। MCB ऑन करते ही इसकी LED ग्लो की और 10 सेकेंड में हमारा ये बजर कम हुटर हो जाएगा। टाइमिंग आप कर सकते हैं, आपने देखा बजर ग्लो कर दिया, टाइमर अपना वर्क कर दिया और साथ में टाइमर का इंडिकेशन भी आ गया। अब मैं आपको 15 सेकेंड में मैंने सेट कर दिया है और अब मैं MCB ऑन कर रहा हूँ, अभी ऑफ है डिवाइस। जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो आपको देखना, स्टार्ट किया 3, 4, 5, आप लोग अपनी वॉच में देख सकते हैं कि 15 सेकेंड में हमारा ये टाइमर ये इंडिकेशन ग्लो करेगा, जो नॉर्मली NO है वो NC हो जाएगा और हमारा बजर बजने लग जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमने इस टाइमर स्विच का कनेक्शन किए और साथ में उसका सर्किट में कैसे वर्क कर रहा है वो डीपली आपको बता दिया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये सीमेंस का हमारा टाइमर है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, इंटरनल सर्किट ये 0 to 60 सेकेंड के लिए हम इसमें टाइमिंग लगा सकते हैं, और इससे इसमें दो आउटपुट हैं, दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के आउटपुट है, एक 18 से हम ले सकते हैं, दूसरा 28 से हम ले सकते हैं। इसके अंदर दो NONC कॉन्टैक्ट है जो यहाँ पर ड्राइंग में आपको दिख रहा है, और जैसे मैं ऑफ करता हूँ तो हमारा सिस्टम। तो जनरली हम इससे कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कि जिसे 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड या 60 सेकेंड में ऑपरेट करना हो तो उस के लिए हम इस टाइमर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और प्रोडक्ट को आपके सामने ले आऊँगा, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।